सो हेलो फ्रेंड्स, माय राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसा स्मार्टफोन के बारे में, एकदम रिसेंटली लॉन्च हुए नए स्मार्टफोन के बारे में, जिन पे आपको काफ़ी भयंकर डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है, इन पे आपको 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 4 हज़ार रुपये तक का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं ऑफर्स के बारे में तो ऑफर्स काफी सारे चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे Amazon के बारे में, उसके बाद बात करेंगे Flipkart के बारे में। Amazon पे कुछ स्मार्टफोन पे डिस्काउंट है जो कि नए लॉन्च किए गए हैं, और Flipkart पे भी कुछ स्मार्टफोन पे डिस्काउंट है जो कि नए लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर Mi 11X सीरीज का, और ये जो स्मार्टफोन है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया कुछ दिन पहले Xiaomi की तरफ से। जो Mi 11X Pro स्मार्टफोन है, इस पे आपको 4000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इस स्मार्टफोन को ले लेना चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, कैसे आपको 4000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? दोस्तों, अगर आपके पास में HDFC का कार्ड है और अगर आप कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 4000 रुपए का यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑफर काफी अच्छा है, अगर आपके पास में कार्ड है तो आप कार्ड लगाइए, 4000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करता हूं। अगला जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर OnePlus 9 सीरीज का। OnePlus 9 सीरीज के 5G स्मार्टफोन को अगर आप परचेस करना चाहते होंगे तो यहां पर भी आपको 4000 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहां पर SBI के कार्ड का यूज करते हैं स्मार्टफोन को परचेस करने के टाइम पे, तो SBI के कार्ड पे आपको 4000 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेस करना है तो डिस्काउंट काफी सारे चल रहे हैं, आपको एक नया स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। बात करता हूं अगले स्मार्टफोन के बारे में। अगला जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर Mi 11X स्मार्टफोन। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो इस पे आपको 3500 रुपए का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहां पर HDFC का कार्ड यूज करिए और आपको 3500 रुपए का डिस्काउंट इस स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर है वो काफी अच्छा लगा मुझे, जो कि Mi 11X सीरीज पे चल रहा है। यार, स्मार्टफोन अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं और आपको यहां पर 4000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है, आपके पास में कार्ड है, तो आप आंख बंद करके इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बात करता हूं आपसे यहां पर अगले स्मार्टफोन के बारे में, जिसपे आपको डिस्काउंट चल रहा है। काफी लोग पूछते रहते हैं कि यार Redmi Note 10 सीरीज पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो यहां पर अगर आप Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन को काफी सस्ते में परचेस करना चाहते होंगे तो यहां पर कुछ ऑफर Redmi Note 10 स्मार्टफोन पे भी चल रहा है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ऑफर, आपको यहां पर एक्सचेंज करके अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना है तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि यहां पर Redmi Note 10 स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट पे भी जो एक्सचेंज ऑफर है वो लाइव कर दिया गया है। आपको कुछ 11300 रुपए तक का जो एक्सचेंज ऑफर है वो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, एक्सचेंज वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। अब ये डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन के ऊपर, जो स्मार्टफोन आप एक्सचेंज कर रहे हैं कि वो स्मार्टफोन किस कंडीशन में है, आपने कितना यूज किया है, कितना पुराना है, डेंट वगैरह है या फिर नहीं है, और स्मार्टफोन कितना महंगा है। तो उसके हिसाब से अगर आप एक काफी अच्छे कंडीशन में एक अच्छे स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे Redmi Note 10 सीरीज के साथ में, तो आपको काफी अच्छा जो एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज वैल्यू है, वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिससे आप इस स्मार्टफोन को बहुत ही कम पैसा देकर के खरीद पाएंगे। इसके साथ में दोस्तों, यहां पर Jio और Xiaomi के पार्टनरशिप के साथ में भी एक ऑफर चल रहा है, जिससे आपको 3000 रुपए का जो कैशबैक ऑफर है वो यहां पर दिया जाएगा। अगर आप Redmi Note 10 स्मार्टफोन को परचेस करते हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप यहां पर Jio के सिम को इंसर्ट करते हैं अपने डिवाइस में, तो आपको यहां पर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 349 रुपए का एक रिचार्ज करना है, और उसके बाद में आपको 3000 रुपए का जो कैशबैक है वो Jio की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप Redmi Note 10 स्मार्टफोन को ले रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम Jio के सिम को इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप जरूर से 349 रुपए का रिचार्ज करें, ताकि आपको 3000 रुपए का जो कैशबैक ऑफर है वो देखने के लिए मिल जाए। तो ये ऑफर काफी अच्छा है, काफी लोग स्मार्टफोन को ले भी लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता और वो इस ऑफर को रिवील भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप Amazon पे जाकर के वहां पर Redmi Note 10 स्मार्टफोन के ऑफर वाले सेक्शन को ओपन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस ऑफर के बारे में पूरी जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ बात करता हूं कुछ और स्मार्टफोन के बारे में, हम बात करते हैं यहां पर Flipkart से। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं जिस पे आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप यहां पर Oppo के स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे, Oppo A54 स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे और आपके पास में HDFC का कार्ड है यहां पर भी, तो आपको 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट Oppo A54 स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में कार्ड है तो आप इस स्मार्टफोन को जाकर के ले सकते हैं। अगला
जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर ओप्पो F19। अगर आप ओप्पो F19 स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो इस स्मार्टफोन पे आपको 1500 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप 1500 रुपए सस्ते में इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको HDFC का कार्ड यूज करना है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को ऑप्शन दिया गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड आपके पास में है उसका यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे भी आपको 1500 रुपए का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा ओप्पो F19 स्मार्टफोन पे। तो ऑफर काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। बात करता हूं अगले स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप यहां पर सैमसंग गैलेक्सी F02S स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो इस स्मार्टफोन पे आपको 1000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। HDFC के कार्ड पे आपको कार्ड लगाना है सिंपली और आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट इस स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो है यहां पर सैमसंग गैलेक्सी F62। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि इस स्मार्टफोन पे आपको 2500 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ICICI बैंक का कार्ड यूज करना है और आपको 2500 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं रियलमी के बारे में। अगर आप यहाँ पर रियलमी 8 5G स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। ये जो ऑफर है वो आज ही अनाउंस किया गया है। अगर आप यहाँ पर रियलमी 8 5G स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो आपको HDFC के कार्ड पे यहाँ पर भी 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप इस स्मार्टफोन को काफी सस्ते में परचेस कर पाएंगे। तो अगर आपके पास में कार्ड है तो रियलमी 8 5G स्मार्टफोन को लेना है, अगर आपके पास में कार्ड है तो आप इस स्मार्टफोन को जाकर के ले सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर मोटोरोला के बारे में। दोस्तों अगर आप यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुए मोटोरोला के Moto G60 स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन पे आपको 1500 रुपए का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो ICICI बैंक के कार्ड पे देखने के लिए मिल रहा है और जो Moto G40 है उस पर 1000 रुपए का डिस्काउंट है। सेल कल है, अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये थे कुछ स्मार्टफोन जिन पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है कार्ड वगैरह के ऊपर। अब आपको इस ऑफर में से कौन सा जो ऑफर है वो काफी अच्छा लगा, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों ये था उस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।